मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने नंबर ऑफ बोन्स के बारे में बात की थी, कितने बोन्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ द बोन। द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ बोन आर गिवन बिलो। पहला है प्रोवाइड सपोर्ट। सबको पता है ये चीज़ कि बोन्स जो हैं सबसे जो है स्ट्रॉन्ग जो स्ट्रक्चर होती है बॉडी की वो बोन्स होती है। और सिंपल सी बात है, बॉडी को सपोर्ट देने में भी सपोर्ट प्रोवाइड करने में भी क्या करती है, हेल्प करती है। द बोन्स आर प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ सपोर्ट द सपोर्ट द होल बॉडी। पूरी बॉडी को सपोर्ट देने का काम किसका होता है, बोन्स का होता है। ठीक है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन। बोन्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉर सम ऑफ द सॉफ्ट एंड डेलिकेट ऑर्गन्स ऑफ बॉडी सच एज स्कल एंड पेल्विस। ठीक है, जैसे पेल्विस और स्कल जो है हमारे सॉफ्ट ऑर्गन्स जो है उनको जो है प्रोटेक्शन देने का काम करती है। इसके अलावा भी जैसे हमारे रिब्स हैं, रिब्स भी जो है हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्शन देने का काम करती है। इसके अलावा हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन देने का काम करती है। पेल्विस जो है हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उनको जो है प्रोटेक्शन देने का काम करती है। ठीक है, इसके अलावा इस तरह से जो है अलग अलग तरह के जो ऑर्गन्स हैं वो अलग अलग तरह के बोन्स के थ्रू क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड रहते हैं। बोन सिस्टम सर्व फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स। बोन्स से ही मसल्स क्या होते हैं, हमारे जुड़े होते हैं। हमें बताया था मैंने कल कि बोन्स और मसल्स जुड़े होते हैं आपस में और दोनों जो हैं मूवमेंट शो करते हैं। दोनों की ही वजह से हम क्या कर पाते हैं, मूवमेंट कर पाते हैं। बोनी सिस्टम प्रोवाइड सरफेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स। दिस बोनी फ्रेमवर्क एफर्ट अटैचमेंट फॉर द सॉफ्ट पार्ट मेंटेन देम इन राइट पोजिशन कवर देम हेल्प टू कंट्रोल एंड डायरेक्ट वेरिंग इंटरनल प्रेशर एंड गिव स्टेबिलिटी ऑफ द होल बॉडी। नेक्स्ट है बोनी सिस्टम गिव्स शेप टू द बॉडी। बोन्स प्ले अ वाइटल रोल इन शेपिंग द बॉडी। इट मे बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉन्ग और शॉर्ट स्ट्रक्चर। तो छोटा है कि बड़ा है इंसान, या फिर मोटा है कि पतला है, चौड़ा है कि कैसा है, ये सारा शेप और साइज़ जो है वो किसकी वजह से मिलता है, उसका जो स्केलेटल सिस्टम है या उसका जो फ्रेमवर्क है बोन्स का वो किस तरह से। ठीक है, एक्ट एज लेवर। लीवर की तरह काम करता है ये। बोन्स एक्ट एज अ लेवर इन आर बॉडी। दिस हेल्प द डूइंग वर्क इजली। ठीक है, लीवर फिनोमेना आप लोग जानते होंगे, लीवर किसे बोलते हैं। ठीक है, लेवर का मतलब होता है कि जैसे आपने पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा, यहाँ इस तरह से यहाँ वेट रखा होता है, यहाँ जो है फिर यहाँ पर फोर्स लगाया जाता है। तो इस वेट को मैं आराम से क्या कर सकता हूँ, मूव करवा सकता हूँ। इस वेट को, ये जो वेट है, इसको आराम से क्या करवा सकता हूँ, मैं मूव करवा सकता हूँ। तो इस तरह का जो मूवमेंट है उसको लेवर बोलते हैं। मतलब हमारी बॉडी के अंदर भी जो है इस तरह का मूवमेंट देखने को मिलता है। हम हमारा जो हाथ होते हैं, हमारे हैंड जो होते हैं उनको मूव करवा सकते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे कर सकते हैं, हमारे पैरों को ऊपर नीचे कर सकते हैं, हमारे पैरों को मूव करवा सकते हैं। ठीक है, पैसिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लोकोमोशन। बोन्स आर द पैसिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द लोकोमोशन ऑफ मूवमेंट। इनफैक्ट दीज इनेबल अस टू मूव। ये पहले बात कर ली हमने। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। अकॉर्डिंग टू द शेप एंड द फॉर्मेशन ऑफ बोन देर आर वेरियस टाइप ऑफ बोन्स विच आर फॉलोज। लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन्स आर फाउंड मेनली इन द अपर एंड लोअर लिम्स। दीज बोन एक्ट एज लीवर इन आर बॉडी हेल्प इन मेकिंग मूवमेंट पॉसिबल। लॉन्ग बोन्स सच एज ह्यूमरस एंड फीमर। ठीक है, ह्यूमरस एंड फीमर कंसिस्ट ऑफ शार्प एंड टू एक्सट्रीमिटी ईच एंड ओनली ड्यू टू दियर लेंथ दीज आर कॉल्ड लॉन्ग बोन्स। देखो यहाँ पर डायग्राम दे रखा है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है कौन सी बोन कहाँ होती है, सिंपल सी दिख जाएगी। ये देखो, ये वाली जो बोन है ये है हमारी फीमर। बॉडी की सबसे लार्जेस्ट बोन होती है वो फीमर होती है, जिसको हम थाई बोन भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा ह्यूमरस, ये वाली जो बोन है, इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमरस बोलते हैं।
इसके अलावा नीचे वाली बोन्स भी लोंग में ही आती है, जैसे इसकी जो नीचे वाली बोन है उसको बोलते हैं रेडियस अल्ना, इसको बोलते हैं रेडियस अल्ना, ये देखो ये दे रखा रेडियस अल्ना। उस तरह से नीचे वाली जो बोन है इसमें होता है टीबियो फिबुला, इसके अंदर दो बोन होती है टीबियो फिबुला, मतलब ये जो बोन्स होती है सारी क्या होती है, लॉन्ग बोन होती है बॉडी की, सबसे लॉन्ग बोन होती है फीमर, याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शॉर्ट बोन, दीज बोन्स आर शॉर्ट इन लेंथ हेंस दीज आर कॉल्ड शॉर्ट बोन्स, फॉर एग्जाम्पल कार्पस एंड टार्सल, टार्सस आर कॉल्ड शॉर्ट बोन्स, कहाँ होती है टार्सस, ये री, यहाँ टार्सस है और यहाँ कार्पस है, ठीक है। किस तरह से होती है, जैसे हमारी ये इस तरह से बोन्स होती हैं, इस तरह से बोन्स होती हैं, कार्पस टार्सस इस तरह से पाई जाती है, और फिर यहाँ से हमारी उंगलियों की बोन्स निकलती हैं। तीन जॉइंट होते हैं सामने, ये तो लॉन्ग होती है, यहाँ तो थोड़ी सी, यहाँ जो हमारी कलाई होती है, कलाई के आसपास वाली जो बोन होती है वो बोन्स क्या होती है, सबसे छोटी होती है, उनको बोलते हैं टार्सल्स और कार्पस। These bones are made up of cancellous bone tissues. These bones are covered with compact tissues. These bones help in the exerting force. Next है flat bone. Flat bone bones जो हैं जिनका shape कैसा होता है, flat होता है, ठीक है, ऐसी bones जिनका shape कैसा होता है, flat होता है। Usually these bones are found where the protection is required. जैसे flat bone की हम कहाँ कहाँ की बात करते हैं, एक तो ये हो गया क्लेविकल, क्लेविकल भी आ जाएगा इसमें, रिब्स आ जाएगी, हमारी जो रिब्स है उसकी जो बोन्स होती है क्या होती है, फ्लैट होती है। इसके अलावा स्केपुला आ जाएगा, पीछे जो हमारी जो बैक है उसमें जो इस तरह की बोन्स होती है पीछे की तरफ बैक पे, उसको स्केपुला बोलते हैं। तो उस तरह की जो स्कल की जो बोन है, स्कल की जो बोन है उसको भी फ्लैट बोन में ही काउंट किया जाता है, ठीक है। तो जनरली इन बोन्स का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन का होता है, जैसे स्कल की जो बोन है उसका काम होता है ब्रेन को प्रोटेक्ट करना, ये जो हमारा रिब केज होता है उसका काम होता है हमारे डेलिकेट ऑर्गन जैसे हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इरेगुलर बोन, जिनका शेप क्या होता है, इरेगुलर रहता है, जिनका शेप कैसा है, इरेगुलर है। तो बॉडी के अंदर इरेगुलर शेप की जो बोन्स है वो जनरली आती है हमारी बैक बोन, हमारी बैक बोन की जो बोन्स है वो क्या होती है, इरेगुलर शेप होती है, जिनको हम जनरली क्या बोलते हैं, वर्टिब्रा, वर्टिब्रा, जिनको हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रा, ठीक है। ये इरेगुलर शेप बोन्स के अंदर आ जाएगी। दीज बोन्स कैन नॉट बी ग्रुप्ड अंडर एनी प्रिसीडिंग हेड, वर्टिब्रा इज गुड एग्जांपल ऑफ दिस बोन्स, सम बोन्स ऑफ फेस आर आल्सो इंक्लूड अंडर दिस हेड। नेक्स्ट बात करते हैं सेस्मोइड बोन, दिस वर्ड सेस्मोइड ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड सेस्मम, सेस्मोन अ सीड ऑफ सेस्मम एंड द इडियोस फ्रॉम द असेंबलेंस, दिस बोन्स आर फाउंड इन द नी पटेला हैंड एंड फूट, ठीक है। इतना ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं है, सेस्मोइड बोन कहाँ पाई जाती है, कहाँ कहाँ पाई जाती है, नी पटेला हैंड में और फूट में, कुछ अमाउंट में भी इनमें भी पाई जाती है, ठीक है। ये तो था हमारा टाइप ऑफ बोन्स, किस तरह के बोन्स हो सकती है, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन। नेक्स्ट हमारा है जॉइंट्स ऑफ बोन, बोन के अंदर बोन्स में जॉइंट कहाँ, देखो स्पोर्ट के अंदर मेन जो हमें याद रखने होता है वो जॉइंट्स याद रखने होते हैं, जॉइंट्स कहाँ हैं, कहाँ लिगामेंट्स टियर हो सकते हैं, कहाँ हमें इंजरी हो सकती है, वहाँ की हम बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ दे रखा है अ जॉइंट और एन आर्टिकुलेशन इज यूनियन ऑफ ओनली टू और मोर बोन ऑफ स्केलेटन, द स्टडी ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड आर्थ्रोलॉजी, स्टडी ऑफ जॉइंट्स इज कॉल्ड आर्थ्रोलॉजी। इनफैक्ट आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ बोन्स आर समटाइम सेपरेट बाय थिन मेम्ब्रेन, समटाइम बाय कनेक्टिव टिश्यू एंड फाइब्रो कार्टिलेज एंड फ्री मूविंग जॉइंट्स।
इन फ्री मूविंग जॉइंट्स दीज आर कम्प्लीटली सेपरेटेड। ठीक है, तो जो जो बोन्स है आपस में क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं, कई जॉइंट्स जो आपस में जुड़े होते हैं, और जुड़ने का कारण क्या हो सकता है, कनेक्टिव टिश्यू हो सकते हैं, फाइब्रो कार्टिलेज हो सकता है, और कई कई बोन्स जो है वो क्या होती है, फ्री भी हो सकती है, कोई बीच में कनेक्टिव टिश्यू नहीं पाया जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, अच्छा नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ मूवमेंट दे आर कैपेबल ऑफ एनी दियर स्ट्रक्चर कंपोजिशन। सो अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटी ऑफ मूवमेंट वी कैन क्लासीफाई जॉइंट्स इन थ्री कैटेगरी। तीन तरह के जॉइंट्स यहाँ दे रखे हैं, इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल और फ्रीली मूवेबल। ठीक है, साइंटिफिक नेम क्या है इनका, साइनेथ्रोसस एंड एमेरफाथ्रोसस एंड डायथ्रोसस, ये इसके साइंटिफिक नेम हो गए। ठीक है, साइंटिफिक नेम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे इसको इस तरह के नाम से याद रखना, इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल और फ्रीली मूवेबल। नाम से पता देते हैं इसका क्या, इमूवेबल का मतलब ऐसे जॉइंट जो मूव नहीं करेंगे, स्लाइटली मूवेबल मूव करेंगे लेकिन बहुत कम करेंगे, और फ्रीली मूवेबल जिनका मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा होगा। ठीक है, फर्स्ट बात करते हैं मूवेबल जॉइंट्स, इमूवेबल जॉइंट्स की बात करते हैं। ठीक है, स्नेथ्रोसिस जॉइंट्स भी बोल सकते हैं इनको, दीज जॉइंट्स आर कॉल्ड फाइब्रस जॉइंट बिकॉज द बोन्स आर कनेक्टेड बाई फाइब्रस टिश्यू। बोन्स आपस में फाइब्रस टिश्यू के थ्रू क्या होती है, जुड़ी होती है। दीज जॉइंट्स आर फिक्स्ड एंड डू नॉट मूव, ये फिक्स होते हैं, मूव नहीं करते हैं। दीज जॉइंट्स आर फाउंड इन बोन्स ऑफ स्कल एंड फेस, दीज जॉइंट्स शो इन फिगर गिवन अलॉन्ग साइड। ये जो दे रखा है, ये मूवेबल जॉइंट्स की बात कर रहा है, यहाँ जो बीच में, यहाँ ये बीच बीच में क्या होते हैं, इनमें फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं जिनके थ्रू ये जॉइंट्स आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो स्कल और फेस की जो बोन्स हैं वो जनरली क्या होती है, इमूवेबल होती है, और उनके अंदर कौन से बोन, इमूवेबल जॉइंट्स उनके अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, इन दिस जॉइंट्स सरफेस ऑफ बोन आर सेपरेटेड बाय सम इंटरवेनिंग सब्सटेंस एंड ओनली स्लाइट मूवमेंट इज पॉसिबल। ठीक है, दीज जॉइंट्स इंक्लूड टू टाइप, सिम्फाइसिस एंड सिंकोड्राइसिस। ठीक है, कौन कौन से, सिम्फाइसिस और सिंकोड्रोसिस। ठीक है, तो सिम्फाइसिस का अंदर क्या है, इन दिस जॉइंट वे टू लॉन्ग बोन सरफेस आर कनेक्टेड बाई अ ब्रॉड फ्लैट डिस्क ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज एंड सिम्फाइसिस प्यूबिक एंड इंटरवर्टिबल जॉइंट। ठीक है, देखो यहाँ पर ये जो बोन है इसको हम बोलते हैं प्यूबिक बोन। ठीक है, ये हमारी पेल्विक बोन, ये दोनों हमारी पेल्विक बोन है, और यहाँ पर ये जो है ये वाला हिस्सा, यहाँ ये दोनों बोन जो है आपस में क्या हो रही है, जुड़ी हुई है यहाँ पर इस जगह पर, इस जगह पर ये दोनों बोन आपस में क्या होती है, जुड़ी होती है यहाँ पर इस जगह पर, और ये जो है यहाँ ये जो जॉइंट है वो स्लाइटली मूवेबल होता है। देखो ये जॉइंट का मूवेबल जनरली मूव कब देखने को मिलता है, फीमेल के अंदर जब डिलीवरी होती है, बच्चे की डिलीवरी होती है, उस कंडीशन में ये जो जॉइंट है वो जो है यहाँ से क्या होता है, थोड़ा डायलेट हो जाता है, ये जॉइंट आपस में यहाँ से क्या होता है, थोड़ा ओपन हो जाता है, जिससे डिलीवरी में फीमेल के अंदर क्या होती है, डिलीवरी के अंदर क्या होते हैं, काफ़ी ज़रूरी होता है ऐसा होना। इस तरह से जो दे रखे हैं ये दो बोन्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो जॉइंट है इसको बोलते हैं प्यूबिस सिम्बायसिस जॉइंट, सिम्फाइसिस प्यूबिस जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, जो डिलीवरी में भी हेल्प करता है, डिलीवरी के टाइम ये जॉइंट जो है ओपन हो जाता है। ठीक है, और डिलीवरी में क्या करता है, हेल्प करता है, आफ्टर डिलीवरी वापस से ये क्या होता है, जॉइंट कर जाता है, तो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट है। इसके बाद बात कर रहा है इंटरवर्टिब्रल जॉइंट, इंटरवर्टिब्रल जॉइंट का मतलब होता है दो वर्टिब्रा के बीच का जो जॉइंट है, वर्टिब्रा हमारे इस तरह से आपस में क्या होती है, जुड़ी होती है, तो इनके बीच का जो जॉइंट है, वर्टिब्रा के बीच में जो जॉइंट आता है उसको बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल जॉइंट।
हमारी बैकबोन जो है वो एक लिमिट तक ही क्या करती है, मूव करती है। हमारी बैकबोन जो है एक लिमिट तक ही मूव करती है, ठीक है। आगे की तरफ तो हम कितना भी झुक सकते हैं, पीछे की तरफ हम नहीं झुक सकते हैं। तो एक लॉक्ड फॉर्म में क्या करती है, हमारी ये जो है वो मूव करती है, फ्रीली मूव नहीं कर पाती है। इसके बाद नेक्स्ट है सिनकोन्ट्रोसिस। इट इज़ टेम्प्रेरी फॉर्म ऑफ जॉइंट, द कार्टिलेज इज चांस टू बोन बिफोर एडल्टहुड। दिस जॉइंट आर फाउंड बिटवीन द डायफाइसिस एंड एपिफाइसिस ऑफ द लॉन्ग बोन। डायफाइसिस एपिफाइसिस की बात करते हैं, ठीक है। ये इस तरह की जो यहाँ पर इस तरह की जो स्ट्रक्चर पाई जाती है, इधर की तरफ ही होगा, तो बोन के जो ये हिस्से हैं इनको डायफाइसिस और एपिफाइसिस बोलते हैं। इस वाले को डायफाइसिस, को एपिफाइसिस बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होते हैं, इस तरह का क्या होते हैं, जॉइंट्स पाए जाते हैं, थोड़े बहुत जॉइंट्स पाए जाते हैं जो धीरे धीरे चाइल्डहुड के अंदर ये जॉइंट्स होते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, ये एडल्ट के अंदर ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। कार्टिलेजन होते हैं लेकिन बाद में ये क्या होते हैं, बोन में चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट है फ्री मूवेबल जॉइंट, नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे इसको, ठीक है। थैंक यू।